आज हम बताने वाले हैं मोबाइल का स्क्रीन को कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। मोबाइल का जो होम पेज है ना, ऊपर जो देखो इधर जो ऐप आता है, हाँ, वो कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, थोड़ा डिजाइन चेंज कर सकते हो, जैसे कि कोई भी देखेगा अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ये सेटिंग पहले देखो, हम इधर एक ऐप खोलते हैं, इसके बाद इसको कंटिन्यू पे क्लिक करके उसका परमिशन दे देते हैं। देने के बाद फिर आ जाओ, इधर आ जाओ, मान लो ये एक ऐप है, एक ऐप है, देखो ये 4D लाइव वॉलपेपर है। ये देखो कैसे, आप जैसे मोबाइल लेफ्ट राइट घुमाओगी या ऊपर नीचे करोगी, ये जो एस्ट्रोनॉट है ना, वो भी ऐसे ही घूमेगा। देखो कैसे अच्छा लगता है, जैसे भी घुमाओगी वो ऐसे ही घूमेगा। हाँ, ये भी है और बहुत सारे भी है, देखो ये भी है, ये भी है, इसको अभी अलग आते हैं। देखो देखो कैसे लगता है स्क्रीन, आपका स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। देखो कैसे 4D आ जाता है। हाँ, ये सब मोबाइल को और बेहतर डिजाइन थोड़ा अच्छा कर लेता है, मतलब डिजाइन तो नहीं, स्क्रीन का जो डिजाइन है, स्क्रीन का स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा चेंज करके मॉडिनेशन कर देता है। और भी लाइव वॉलपेपर है ये, मतलब 4D लाइव वॉलपेपर लिखता है। और ये देखो कैसे दिखता है लायन 4D में है। और ये देखो कितना अच्छा लगता है, आप जैसे भी चाहो मोबाइल में रख सकते हो। ये वाला देखो, ये वाला लगाता हूँ, ये वाला, ये सब इसमें है। देखो कैसे दिखता है ये वाला, सब इस एप्लीकेशन में है, आप जो भी चाहे उसको सेट करके कर सकते हो। मैं कस्टमाइजेशन दूसरा एक है उसको करके दिखाऊंगा अपनी मन से। इधर जो भी है आप उसको लगा सकते हो, मगर आप एक आपकी मन मुताबिक कोई सा भी हो लगाना चाहते, ठीक है। देखो इधर देखो, इसको भी लगा सकते हो, कोई भी है इधर जो भी है उसको भी ये सब लगा सकते हो, जितना भी है। बहुत अच्छा अच्छा 4D लाइव वॉलपेपर है, देखो 4D लाइव वॉलपेपर है, उसको भी लगा सकते हो। देखो कैसे होता है सब। इसके बाद हम इधर देखो लिखा है क्रिएट 4D वॉलपेपर, उधर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उसके बाद परमिशन दे देंगे। देने के बाद अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो, अपनी मर्जी के हिसाब से। देखो इसको मैंने चूज कर दिया, चूज करने के बाद देखो, और ये तो आ गया। ये आने के बाद इसमें भी ऐड कर सकते हो, मिडिल लेयर में क्या रहेगा, टॉप लेयर में क्या रहेगा, ये तो बॉटम लेयर में रह गया। मिडिल लेयर में देखो कोई भी आप फोटो ले सकते हो, 3D वाला, 4D वाला। मान लो इसको मैंने सेटिंग करता हूँ, देखो कैसे आता है, जैसे ऊपर नीचे आप जिधर चाहो घुमा सकते हो। ऊपर डी थोड़ा आप पकड़ के चल रहे हो मोबाइल, थोड़ा हिलेगा इधर उधर, मगर ये इसी हिसाब से हिलेगा क्योंकि उसका जायरोस्कोप ऑन है, इसलिए वो जिधर आप मोबाइल रोटेट करेगी उधर ही वो रोटेट होके जाएगा, आपका मोबाइल लुक बढ़ा देगा। इसके बाद देखो इधर तो हो गया, इसके बाद आग भी जला सकते हो, इधर देखो मैंने दिखा दिया, आग भी जला सकते हो। देखो कोई भी कस्टमाइजेशन अपनी खुद की मन से कर सकते हो। उधर बबल बबल चलेगा, देखो इधर इधर सेटिंग करो, किधर मालूम है, इधर जो लिखा है ना इफेक्ट्स, इफेक्ट्स में क्लिक करो, उधर सिलेक्शन करो, इफेक्ट्स में क्लिक करके सिलेक्शन करो रेन। देखो आग नीचे चल रहा है, ऊपर बारिश आ रहा है, लिखाने के लिए बुझाने के लिए। हाँ ऐसे ही कर सकते हो। हाँ आप किसी भी तरह मॉडर्नाइजेशन आपका स्क्रीन को कर सकते हो ये वॉलपेपर के माध्यम से। और एक बात, मैं ये जो वॉलपेपर के बारे में बोल रहा हूँ जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, इसके मेरे लिए कुछ फ़ायदा नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। और ये अगर करोगी आपका मोबाइल थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, बस यही बोलना था। अभी आपको बोलूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दूसरों के दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। थैंक यू।